अच्छा, तो अब इसके बाद अगर हम इस पर तीसरी चीज देखें कि हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर हमने ये प्रेजेंट एब्सेंट लीव के जो एलिमेंट्स हैं कैसे ऐड करना है, उसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया पर अप्लाई करना है। और यहाँ से जाएंगे हम होम में, होम में जाने के बाद यहाँ से सेल स्टाइल, और यहाँ से लेंगे हम ऊपर आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाईलाइट सेल रूल्स में हम कहेंगे इक्वल टू, इक्वल टू में हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी सेल में पी लिखा हुआ है तो उसका जो कलर है वो ग्रीन कर दो। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर हम कहेंगे इक्वल टू, अगर किसी भी सेल में ए लिखा हुआ है तो उस सेल का कलर रेड कर दो। टेक्स इक्वल टू एल लिखा हुआ है तो उस सेल का कलर येलो कर दो, ठीक है। और अगर किसी भी सेल में एच लिखा हुआ है तो उसका कलर जो है यहाँ से जाके ब्लैक कर दो और या फिर ग्रे कर दो। और फॉन्ट जो है यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाई सेल्स में जाके इक्वल टू पे क्लिक करें, एस लिखा हुआ हो तो क्या करें, कलर उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ये कर दें और ओके कर दें। अब इससे होगा कि पांच रूल जो हमने अप्लाई किए, अब किसी भी सेल में अगर हम ए लिखेंगे तो रेड हो जाएगा, उसी सेल में अगर हम बी लिखेंगे ग्रीन हो जाएगा, एल लिखेंगे एच लिखेंगे एस लिखेंगे नेस, जो भी हम टाइप करेंगे हमारा सेल उसी हिसाब से कलर को चेंज करेगा। इस फीचर को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेट तो लगेगा लेकिन कंडीशन के मुताबिक लगेगा, ठीक है। अब इसको ख़त्म करने का क्या तरीका, जैसे अप्लाई किया है जितने तरीके पे उतने पे ही एरिया पे सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट्स में नहीं बल्कि इसमें जाके क्लियर में जाके क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड और क्लियर फ्रॉम एंटायर। क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड से होगा जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उस पर से खत्म होगा, क्लियर फ्रॉम एंटायर का मतलब ये होगा पूरी शीट पे जहां जहां भी ये रूल अप्लाई किया होगा वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया।